महाविकास आघाड़ी की ब्रजमुट बैठक 3 दिनों बाद है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के सचिव विनायक राउत तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कल रात नागपुर आए। आज उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है विनायक राउत से। आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। नागपुर शहर में आने वाले 16 अप्रैल को जो है महाविकास आघाड़ी की वज्रमूट सभा होने वाली है, जिसकी चर्चा है फिलहाल तो पूरे राज्य भर में हमें दिखाई दे रही है, हो रही है, क्योंकि जिस तरह से नागपुर में इस सभा को विरोध भी हो रहा है, उसी के चलते तैयारियां भी जो है यहाँ पे जोरों पर है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ स्टेज बन चुका है, यही वो ग्राउंड है जहाँ ये सभा जो है होने जाने वाली है। और सभी दिग्गज नेता, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के सभी दिग्गज नेता इस सभा में आने वाले हैं। उसी की तैयारियां जो है नागपुर शहर में जोरों पर है और उसी का जायजा लेने पहुंचे हैं लोकसभा जो सांसद है शिवसेना के विनायक राउत, वो जायजा लेने पहुंचे हैं। यहाँ पे जो काम शुरू है उसका जायजा वो ले रहे हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आने वाली सभा जो है उसके बारे में। 16 अप्रैल को नागपुर में वज्रमूट सभा जो महाविकास आघाड़ी की होने जा रही है, हम देख रहे हैं कि फिलहाल इसकी चर्चा बहुत है क्योंकि विरोध भी उसी तरह से इस सभा को हो रहा है और जो तैयारियां है वो भी जोरों पर चल रही है। उसी का जायजा लेने आज जो है नागपुर पहुंचे हैं सांसद विनायक राउत। उन्होंने जायजा लिया है, उनसे जानते हैं इस सभा के बारे में। क्या बताओगे जिस तरह से नागपुर में वज्रमूट सभा को लेकर विरोधक भी आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं, क्या बताओगे? विरोधक आक्रामक होना ये उनकी नौटंकी है, लेकिन ये साफ है कि नागपुर के इस मैदान में महाविकास आघाड़ी का जो महा रैली के आयोजन किए वज्रमूट, ये जबरदस्त ताकत से यहाँ महारैली तो होने वाली है। नागपुर हो, पूर्व विदर्भ हो, यहाँ के लोगों के मन में महाविकास आघाड़ी के बारे में जो भावना है, और दुर्भाग्य से विद्यमान सरकार जो है उनकी तरफ से किसानों के ऊपर, फल उत्पादक किसानों के ऊपर या नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर जिस तरह से मुसीबत आ रही है और उसके ऊपर कुछ भी हल निकालने के इनका रवैया है नहीं, तो उसके बारे में लोगों में चिंता है। और ये देश ख़त्म करने के लिए, देश की जो लोकशाही है, संविधानात्मक लोकशाही है, उसको ख़त्म करने का प्रयास जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से हो रहा है, उसके खिलाफ लोगों में रोष है, असंतोष है और महाविकास आघाड़ी के तरफ एक आस लेकर बैठे और उनको विश्वास है महाविकास आघाड़ी के माध्यम से में भविष्य में अपने को आधार मिलेगा। औरंगाबाद के बाद नागपुर में ये दूसरी सभा है वज्रमूट महाविकास आघाड़ी की, क्या अपेक्षाएं रहेगी नागपुर की जनता से? नागपुर की जनता की अपेक्षा जो है, हम महाविकास आघाड़ी के सारे नेता आम जनता के बीच में से आए हुए, तो आम जनता को अभी जिस परेशानी को सहन करना पड़ रहा है, आम जनता के सामने जो कठिनाइयां निर्माण हुई है, उसकी पूरी जानकारी महाविकास आघाड़ी के नेता में है और उसके बारे में महाविकास आघाड़ी के नेता अपने विचार में अपने मत व्यक्त करेंगे। आपने आज जायजा लिया है, क्या आपने निर्देश दिए है, क्या बताओगे? आदरणीय सुनील जी केदार साहब अच्छे तरह से ये सभा का नियोजन कर रहे हैं, पूरी जान देकर वो काम कर रहे हैं और उनके बाकी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उतने उत्साह से काम कर रहे हैं। अनिल देशमुख साहब भी, उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई, वो भी आज पूरे पूर्व विदर्भ में घूम रहे हैं, लोगों में इस मीटिंग के लिए कैनवासिंग जो करनी हो करें, लेकिन एक अच्छी तरह से ये मीटिंग का नियोजन हो रहा है। बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी के दिग्गज नेता यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं, कांग्रेस से भी दिग्गज नेता यहाँ आने वाले हैं, शिवसेना से कौन कौन उपस्थित रहने? शिवसेना का तो हमारे पक्ष पर उद्धव जी ठाकरे, उसके साथ साथ संजय राउत जी आने वाले हैं, सुभाष देसाई जी है, अन्य कई सांसद है, नेता है, आएंगे। आपने पूरे परिसर का जायजा लिया, आपको हनुमान चालीसा का जो है कान पे उसकी कुछ लाइंस आ रही होंगी, आप देख पा रहे हो ये जो विरोध है हनुमान चालीसा जो पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, क्या बताओगे ये विरोधकों द्वारा जो है, मतलब विरोध जो हो रहा है हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध किया जाए? देखिए, भगवान की पूजा करनी हो या हनुमान चालीसा पढ़ने हो, अच्छे विचार से जो करेंगे उसको
भगवान की कृपा होती है। आज की जो हनुमान चालीसा का जो चल रहा है नाटकबाजी, खास करके महाविकास आघाड़ी की मीटिंग न होने के लिए ये चला हुआ उनका ड्रामेबाज है। हनुमान जी उनको बिल्कुल प्रसन्न होने वाले नहीं, आशीर्वाद तो उनको बिल्कुल नहीं मिलने वाले, लेकिन उनको सबक तो जरूर मिलेगा। तो हमारे साथ सांसद विनायक राउत थे, इन्होंने बताया कि ये जो सभा होने वाली है ये बड़े पैमाने पर यहाँ जो है सभा जो होने वाली है बड़े पैमाने पर होगी और जो काम शुरू है ये भी पूरा अच्छा है और जिस तरह से विरोध को द्वारा विरोध हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं जो है ये विरोध भी कम होते हुए दिखाई देगा। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।